दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से मोटर सीओ में। इस बार हम रिव्यू करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर। ये स्टैंडर्ड मॉडल है जो हम आज रिव्यू करेंगे। ये वैसे पेट्रोल और सीएनजी में ही आता है। ये जो हम देख रहे हैं सीएनजी की फिटिंग, इसी जो अभी जो न्यू मॉडल आया है उससे मोटर डाउन वाला है जनरेशन उसमें ही आता है, इसी पेट्रोल सीएनजी में ही आती है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो 6,40,000 की एक शोरूम कीमत है और 7,20 तक आपको ये मिल जाएगी ऑन रोड। एंड बाकी गाड़ी की बात की जाए तो ये टैक्सी भी में भी मिलती है और प्राइवेट पर्पज़ के लिए भी मिलती है। गाड़ी का लुक सिंपल ही रखा गया है पहले की तरह, जैसे हमारी ओल्ड मारुति स्विफ्ट आती थी डिजायर। लोगों को काफ़ी ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसलिए इसी लुक को कंटिन्यू किया गया है। बाकी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक सा है एंड सिंपल है, सिंपल एंड सोबर। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन से। बाकी सब्सक्राइब करना बोले सब्सक्राइब कर देना। तो ये है इसका फ्रंट लुक, देखिए ये इसके बीच में है ग्रिल, सुजुकी का लोगो। बाकी जो इसमें आप ये देख रहे हैं प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, ये इसमें आते नहीं हैं। बाकी इसके हैलोजन हैंड लैंप्स, जो इसमें प्रोजेक्टर फॉग लैंप देख रहे हैं आप, ये बाहर से आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं, कंपनी से की तरफ से आते नहीं हैं। बाकी इसका बोनट सिंपल है, कोई डिजाइन नहीं है। इसमें आपको दो वॉशर मिलते हैं, दो वाइपर मिलते हैं, देख लीजिए। बाकी इसमें आपको विंडो पे सीएनजी की बैचिंग मिलेगी। रूफ भी बिल्कुल सिंपल है, रूफ पे भी कोई डिज़ाइन नहीं है। ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर सब आपको बॉडी कलर में मिलते हैं। बाकी जो आपके मिरर हैं और ये सब ब्लैक कलर में मिलते हैं। बाकी आपके 10 इंडिकेटर फेंडर मिलते हैं। टायर की बात की जाए 14 इंच के मिलते हैं आपको स्टील अलॉय विद कवर के साथ, और टायर के साइज 165/80/14 के टायर हैं आपके। बाकी देखिए जैसे इसकी साइड लुक्स, इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको ब्लैक मिलते हैं। बाकी इसके बॉडी कलर बाद में करा सकते हैं आप, देखिए। बाकी सी पिलर भी आपको वाइट में ही मिलता है बॉडी कलर में। बाकी इसकी लेंथ की बात की जाए तो 3995 mm विथ 1695 mm, हाइट 1555 mm, सीटिंग कैपेसिटी 5 एंड व्हील बेस की बात की जाए 2430 mm की है। काफ़ी चौड़ी गाड़ी है ये गाड़ी। अब बात कर लेते हैं इसके रियर की। इसका एंटीना डी फोगर नहीं मिलते हैं आपको। इसका स्टॉप लैम्प देना चाहिए डी फोगर, इसमें दिया नहीं गया है। इसके सुजुकी का लोगो, थोड़ा सा क्रोम फिनिश, टोरेस की बैचिंग। इसकी बात की टेल लैम्प की, वही सिंपल लुक है, जहाँ ज़्यादा अच्छा मतलब बोलेंगे वही पीछे से लुक लिया गया है। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं आपको इसमें, देखिए। बाकी नज़र हम कंपनी कम देने लग गई है। ये इसका टो करने के लिए लूप, ये इसके नीचे की साइड से। सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलेंगे ज़्यादा बुरे भी नहीं बोलेंगे। अब आपको दिखाते हैं इसका बूट। बूट की बात की जाए तो इसमें सेडान में इसका बूट स्पेस सबसे कम है। सीएनजी किट लगने के बाद बूट स्पेस बचता है पर थोड़ा ही बचता है। सीएनजी किट की बात की जाए तो 55 लीटर का आपको सिलेंडर मिलता है इसमें, आराम से 11 kg सिलेंडर है। इसकी फिटिंग है कंपनी फिटेड की बात अलग होती है। इसमें आपको लाइट भी मिलती है, बाहर से लगवानी पड़ती है एक्चुअली। ये इसका आपको मिलता है स्पेयर व्हील, आपको फुल साइज स्पेयर व्हील मिलता है। बाकी किट फिट एंड जैक वैक सब मिलते हैं आपको, आप इधर से ही वो कर सकते हैं। बाकी इसमें भी पीछे वो नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से, प्लास्टिक जो होता है। बाकी बात करते हैं इसके फ्यूल की, देखिए सीएनजी की बैचिंग। फ्यूल लीड्स आप यहीं से भर सकते हैं, बाकी गाड़ियों में सब अंदर से आता है, इसमें बाहर से आता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है, ये देना चाहिए था। ये इसकी की है, दो की मिलती है आपको रिमोट की, सिंपल की है, ज़्यादा कुछ स्टाइलिश नहीं है, वही पहले वाली जो थी ऐसे दे देनी चाहिए स्टाइलिश की। इसके देखिए अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर तरफ देखा जाए तो स्पेशली ड्यूअल टोन में है, ब्लैक एंड बेज एंड बेज कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया है, थोड़ा कम करना था, इतना ही नहीं करना था। बाकी आपको फ्रंट वाले में दो स्पीकर मिलते हैं डोर्स में, वैसे टोटल 4 आते हैं। ये इसके फ्रंट टू जो विंडो है ये आपकी मिलती है मतलब ऑटो में, बाकी मैनुअली नहीं मिलती है, मिरर लॉक के लिए और डोर अनलॉक के लिए मिलता है। पीछे की दो आपके विंडोज मिलती है वो मैनुअली मिलती हैं। बाकी बात की जाए देखिए, ये इसमें सिल्वर की थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग दी गई है ये डोर ओपन लॉक करने के लिए। ये आपके ओवरऑल ये अंदर से मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे और मैनुअली ही बंद करने पड़ेंगे, बाहर मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं, एडजस्ट के लिए नहीं दिया गया है। बात कर लेते हैं, देखिए इसमें डेड पेडल दिया गया है ABC, ये आपका बोनेट ओपन करने के लिए। ये आपको सीट मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। सीट की बात की जाए तो इसमें हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगा आपको, हाइट एडजस्टेबल नहीं है इसमें, सिर्फ आपको बैक एडजस्ट करने के लिए भी मिलता है,
बात की जाए सीट की कुशनिंग की, तो इस प्राइस पॉइंट पे सीट का जो कंफर्ट है वो ठीक ठाक ही, ज़्यादा बेहतर नहीं बोलेंगे बट इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही बेहतर है। बाकी जो आपको फ्रंट में मिलते हैं, जो सीट मिलती है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिलती है, ये इसका देखिए, इसके एसी वेंट्स काफ़ी बेहतर, ये छोटा सा आपको स्टोरेज स्पेस कुछ रख सकते हैं आप इसमें थोड़ा बहुत। बाकी बात की जाए यहाँ पे फ्यूल चेंजिंग के लिए, इसका अलार्म एंड ये लाइट एडजस्ट करने के लिए, ये अलार्म है इसका, ये खाली है, ये लाइट एडजस्ट करने के लिए है इसका। बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, कमरे फिटेड में जो गाड़ी आती है सीएनजी में अच्छी बात ही होती है कि आजकल मीटर में ही सीएनजी का देने लग गए हैं। बाकी इसमें आपको ट्रिप दे सकते हैं, एवरेज स्पीड आएगी, ट्रिप ऑन ट्रिप टू एंड टाइम है, एंड बाकी सब वार्निंग्स आती है। बात कर ली जाए इसके स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग बिल्कुल सिंपल मिलता है आपको, कहीं भी कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ बीच में सुजुकी की लोगो मिलता है और एक एयरबैग मिलता है, बाकी कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं बिकॉज जो कंपनी में है। ये इसके टॉगल है, मतलब ये भी बहुत सिंपल मिलते हैं, कोई डिजाइन ज़्यादा किया नहीं गया है, सिंपल है सब। इसके वाइपर कंट्रोल, ये इसके एसीज, बाकी जो आप इसमें ये देख रहे हैं म्यूजिक सिस्टम इसमें हमने बाहर से आफ्टर मार्केट करवाया है, कंपनी की तरफ से नहीं आता है इसमें, तो आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। ये इसके एसीज कंट्रोल सब बेज कलर में दे दिया तो थोड़ा वैसा लगता है। बाकी इसमें आपको सिर्फ 1-12 वोल्ट का मिलता है, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस फोन में रख सकते हैं, नीचे थोड़ा सा और स्पेस रखा है देखिए। बाकी इसका गियर 5 मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स के साथ, इसको भी बेज कलर में दिया गया है। बाकी बात देखिए उसका पढ़ने में अच्छा है। बाकी इसका हैंड ब्रेक, ये भी पूरा बेज कलर में दिया गया है आपको। ये इसकी सीट, ये हमने बाहर से लगवाई, कवर ये ऐसे नहीं आते हैं। बाकी ये पैसेंजर साइड का डोर साइड है, उस साइड भी आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं। बाकी एक वो दिया गया वार्निंग, 80 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड लिमिट पे एक अलार्म आएगा। बाकी बात की जाए ये देखें, इसके जो मैट है ये भी बेज कलर में मिलता है। ग्लो बॉक्स की बात की जाए तो ग्लो बॉक्स में आपको ना ही लाइट मिलती है ना ही एक कूल ग्लो बॉक्स है। ग्लो बॉक्स की जो स्पेस है डिसेंट है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ये आपको थोड़ा ओपन स्टोरेज मिलता है। ये आपके एसी के कंट्रोल और मिरर के कंट्रोल, ये आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं गाड़ी में तीन। बाकी ये आपका है पैसेंजर साइड का सनवाइजर, इसमें आपको वैनिटी मीटर नहीं मिलता है। बाकी जो ड्राइवर साइड देखोगे उसमें कुछ नहीं मिलता है। बाकी आपके हैं रियर व्यू मिरर, इसमें आपको रात को एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ सिंपल वाला दिया गया है। बाकी इसमें आपको सिर्फ टिकट होल्डर दिया गया है, वैनिटी मिरर इसमें भी नहीं दिया गया है आपको। ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बेसिक रखा गया है, काफ़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। अब चलते पीछे की तरफ दिखाते हैं आपको, देखिए पीछे से कुछ ऐसे देखते हैं, सीट बेल्ट मिलती हैं आपको पीछे। अब बात करते हैं देखिए ये इसमें आपको थोड़ा स्पेस मिलता है, यहाँ पे आराम से 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं आप। जो आप देख रहे हैं ये जो पावर विंडो, ये हमने बाहर आफ्टर मार्केट कराई है, कंपनी चाहती है मैनुअली आती है। ये हैंड रेस्ट है और थोड़ी सी स्टोरेज है, ये डोर लॉक अनलॉक और ओपन करने के लिए है। फिक्स हेडरेस्ट के साथ आती है और जो स्पीकर मिलते हैं आपको पीछे मिलते हैं, पीछे साइड डोर में नहीं मिलते हैं आपको, पीछे की तरफ ऐसे मिलते हैं। अब बैठ के दिखाते हैं कि इसकी स्पेस कितना है। स्पेस की बात की जाए तो जो ये गाड़ी देख रहे हैं आप, मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट की 6'8" के हिसाब से, और पीछे देख सकते हैं आप बैठने के बाद फिर भी काफ़ी लेग स्पेस है, लेग स्पेस और हेड रूम में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। थाई स्पोर्ट भी ठीक ठाक है। बाकी आपको पीछे ना एसी वेंट्स मिलते हैं, ना ही चार्जिंग का सॉकेट मिलता है, बीच में पिलर उठा हुआ है देख सकते हैं साफ साफ, मतलब फ्लैट नहीं है, मोस्टली गाड़ी फ्लैट आता भी नहीं है आजकल, मतलब बड़ी गाड़ी में आता है एसयूवी में। बाकी देखिए पीछे का कुछ डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, विंडोज एरिया काफ़ी ज़्यादा है, शीशा छोटा कर दिया, जब ओपन करेंगे सिर्फ ये बीच का शीशा खुलेगा, पूरा शीशा नहीं खुलेगा। हैलोजन लैंप पूरी गाड़ी में आपको एक ही दिया गया है वो सेंटर में, इसका थ्रो भी अच्छा है, आगे नहीं दिया गया है। आगे का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार लगता है देखिए। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की, क्या सेफ्टी आती है आपको मिलता है, एयरबैग, एबीएस विद एबीडी, स्पीड लिमिटेड डिवाइस, 80 किलोमीटर तक का सीट बेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रेजेंटेशन लोड लिमिटेजर, रिमोट कंट्रोल लॉकिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, इंजन इमोबिलाइजर, की लेफ्ट लैंप एंड बजर, हेड लैंप के लिए रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं, बाकी आपको क्रैश सेंसर भी मिलते हैं। इंजन की बात की जाए तो आपको इसमें 1.2 लीटर का इंजन मिलता है जो 70.8 की BHP की पावर देता है, 90 mm का टॉर्क देता है। एवरेज की बात की जाए तो पेट्रोल में आपको आराम से 20 की क्लेम करती है कंपनी और CNG में 20.5 की क्लेम करती है। बाकी इसमें आपको इंसुलेशन भी मिलता है, साउंड ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल भी साइलेंट गाड़ी है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, ध्यान रखना,
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, लाइक भी करना, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। बाकी मुझे बताना कि आपको अगले किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, ख्याल रखना, टेक केयर दोस्तों।